इसका रंग, इसका कलर देखिए कितना निखर कर आया है। सुपर टेस्टी, बहुत अच्छा करने लगे हैं अभी। आप क्या दे एक तेरी रही हो, आपको कम से कम एक टाइम और एकदम लिखिया और लगता काले कौवे से डरियो नहीं जाऊंगी तुम देख आराम से बात तो हो रही है आराम एक बार स्कूल वाली जो याद है वो एकदम ताजा हो जाती है। और लेकिन करते तो हम लोग भी जाते और जलेबी खाने पड़ता। वेलकम बैक टू माय चैनल, ये है जिंदगी और आज है 26 जनवरी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। और ये हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस है, मतलब कितना? 73वां। और आज का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा। और जब भी इस तरह से 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो स्कूल वाली जो याद है वो एकदम ताजा हो जाती है और फिर से लगता है कि वही स्कूल वाले दिन रहते तो हम लोग भी जाते और जलेबी खाने को मिलती। लेकिन अब तो वो संभव नहीं है। पतिदेव जी गए थे अपने ऑफिस और झंडोत्तोलन करके आए हैं और अब यहाँ पे पतिदेव जी तैयारी कर रहे हैं पास्ता बनाने की, क्योंकि आज उन्होंने बोला है कि वो ही बनाएंगे पास्ता। नाश्ते में आज बन रहा है पतिदेव जी का फेवरेट पास्ता। सर मेरा फेवरेट ही है, तो आप ही तो बोल रहे हैं। कब से बोल रहे हैं? प्याज, कैप्सिकम, गाजर, सारी चीजें और पानी भी इधर उबल रहा है इस बर्तन में और इधर पास्ता भी निकल चुका है, ये देखिए। तो ये पास्ता मतलब मैक्रोनी है और ये भी हम लोग बहुत दिन के बाद बना रहे हैं। लगभग लगभग हम लोग के यहाँ ये पास्ता बन रहा है साल भर। नहीं, एक साल नहीं है। हाँ, लेकिन 5-6 महीना तो जरूर हो गया, याद भी नहीं है। याद भी नहीं है, इसी से सोच सकते हैं। तो पास्ता चला गया इस बर्तन में और पानी यहाँ पे उबल नहीं रहा था, फिर भी पतिदेव जी डाल चुके हैं। जबकि इन सारी चीजों को जब पानी उबलने लगे तब डालना चाहिए। अच्छा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और इधर दूध चढ़ा हुआ है को, कैसे निकालना है इसमें? ये कैप्सिकम रहा, ये प्याज रहा और ये देखिए इधर ये तिरंगा सब्जियां किस लिए तैयार हैं, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे आज क्या बन रहा है। गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। देश की धरती इसमें क्या? ये राइस ब्रान। आज पतिदेव जी पूरे मूड में एकदम कुकिंग करने के। राइस ब्रान। उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद इसमें जाएगा क्या? जीरा, मिर्च, ये सब नहीं जाता उसमें। गर्म हो जाएगा तो प्याज और ये पत्ता गोभी डाल दीजिएगा, गाजर डाल, कैप्सिकम। तो आज देख सकते हैं पतिदेव जी पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं कुकिंग करने में और सब्जियां तो बहुत ही मस्त इन्होंने कट करके रखी हैं। देख सकते हैं कितने बारीक बारीक। देखिए अब क्या हुआ, इतना ठोस गाजर भी दिखाइए, गाजर कितना बढ़िया से कटा है। अच्छा, पहली बार गाजर काटे इतना बढ़िया लुक। ये दिखाइए, दिखाइए अच्छे से। ये देखिए मजेदार। और शिमला मिर्च, प्याज। हाँ, पहले प्याज, फिर हरी मिर्च, प्याज पूरा। हाँ, नहीं रुक जाइए, अच्छा डाल दे पूरा। हाँ प्याज ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा सा रखना है तो रख दीजिए, राजमा में डाल दे। हाँ वही बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए। ये क्या इसमें पत्ता गोभी, खाली तो ढक दिए हैं ये। दीजिए क्या है? पत्ता गोभी। जय
तेरा याद करो गुटवानी। छुट्टी का आनंद इसी तरह से आता है, नहीं तो अगर अभी ऑफिस डे होता तो मैं अभी किचन में लगी हुई रहती और पतिदेव जी आराम से ऑफिस में काम करते। आराम से बात तो समझिए, आराम से ऑफिस में बैठ कर भी काम होता है ना, इधर पास्ता भी उबल चुका। आपको कौन बोला बैठ के काम होता है, हम लोग खड़े खड़े काम करते हैं। कैसे, ऑफिस में चेयर नहीं है क्या? ऑफिस में हम लोग चेयर पे नहीं बैठते हैं, तो टेबल पे हम लोग टेबल पे बैठते हैं। चेयर पे नहीं बैठते हैं, बैठा कीजिए, चेयर पे बैठना अच्छा होता है, टेबल पे नहीं। टेबल का काम दरी वाला है, टेबल बना है काम करने के लिए, चेयर बना है। हम लोग का काम दरी वाला है, ऑफिस में तो दरी नहीं होगा, ये तो कंफर्म। हरी मिर्च जाएगा? हाँ डाल दीजिए, हरी मिर्च डालिए, गाजर डालिए क्योंकि गाजर को भी कुक होने में वक्त लगेगा, कैप्सिकम डालिए। ओके ओके, सब एक साथ डाल सकते हैं ना। चलिए तो ये देखिए, ये देखिए गाजर जा रहा है, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, आपको जो डालना डाल सकते हैं आपके पसंद के ऊपर। जी कुछ और है। अच्छा जी, क्या बोले, फिर से बोलिए। खुद से खाना बनाने का बात ही कुछ और है। अच्छा ऐसा क्या? जी तब तो आपको कम से कम एक टाइम रोज कुकिंग करना चाहिए। हाँ डेली रात में बनाते ही है। क्यों इतना झूठ बोलते हैं, मत बोलिए प्लीज, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे झूठ बोले कौआ काटे, ये तो एकदम पिज्जा वाला टॉपिक। काले कौए से डरियो, और मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कैसे जाइएगा? मैं मायके नहीं जाऊंगी, आप जाएंगे क्या? नहीं, तुम बोल रही हो ना मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जाने ही नहीं देंगे मायके, तो अब हम देखेंगे क्या? मैं जा भी नहीं रही हूँ, और अगर चली गई तो हाथ दर्द करने लगता है चलाते चलाते। क्योंकि आप रेगुलर कंटिन्यू चलाते ही रहते, उतना ही चलाना होता है। अरे नमक डालिए, लहसुन को थोड़ा सा उसको प्रेस करके डालिए। ज्यादा सब्जियों में पास्ता बनाते हैं, जितना पास्ता उतनी सब्जियां भी हैं। देखिए इतना थोड़ा, ये देखिए नमक, पता चल रहा है। हाँ नाम आवाज लगा रहे ना, नमक गया अनुमान अनुसार, फिर इसको अनुमान अनुसार। हाँ अनुमान अनुसार इसके बाद फिर नमक डालने के बाद इसे दो चार हाथ चला लीजिए ताकि नमक सभी में मिक्स हो जाए, और इसको फिर कढ़ाई में फैला दीजिए, और इसके बाद अब इसमें जाएगा लहसुन। लहसुन को प्रेस करके डालना, इसी करते हैं क्या? खाना बनाने का ट्रिक मुझे कैसे गाना है? I don't know. आजा। अब कितना फ्राई कर रहे हैं? हो गया, केचप डालिए। इसमें केचप खत्म हो चुका था तो इसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से हम लोग घोल करके डाल रहे ताकि वेस्ट ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा पहले पास्ता डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो ये गया जी पास्ता, बैक कैमरे से एक बार दिखाते हैं आप लोग को।
वाओ कलर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मस्त देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, खाना खुद से बनाने से ये पता चलता है कि खाने में मेहनत कितना लगा है। अच्छा लगता है जी, इसलिए जो भी हमारे मित्रगण हैं कृपया कर खाने का सम्मान करें और साथ ही साथ खाना बनाने वाले का भी सम्मान करें, क्योंकि खाना बनाने में बहुत मेहनत लगता है और खाना बनाने से पहले और ढेर सारा प्यार भी लगता है। मतलब जो भी सब्जी या फिर जो भी चीजें हैं वो आप तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, किचन तक आने में भी मेहनत लगता है, क्योंकि कुछ कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो डालेंगे। तो आप देखिए ये केचप जा रहा है, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें है काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने से भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। मुझे पकड़ने का आदत है तो सब पकड़े इधर, इसे पकड़ के चलाने से थोड़ा सा बैलेंस मिलता है। तो अब इसमें लास्ट जो है इंग्रेडिएंट्स वो जा रहा है अमूल का चीज। अच्छा चीज भी डाल रहे हैं, अच्छी जी पास्ता बन रहा है जी। थोड़ा सा सब जगह स्प्रेड कीजिए उसको। जी 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 मैडम, स्पैचुला को साइड कीजिए। थोड़ा सा ऑयल लगा के करना चाहिए तो हो जाता है। चलिए थोड़ा ढक देते हैं। चलाना नहीं है यहाँ पे, गैस भी ऑफ मैंने कर दिया चीज डाल करके, और ये चीज बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। देखिए थोड़ा ऑरिगैनो डाल दीजिए, ऑरिगैनो ले आइए। मिक्सर भाई देख सकते हैं चीज पूरी तरह से अब मेल्ट हो चुका है, तो हमारा डिलीशियस टेस्टी टेस्टी चीजी पास्ता बनकर के तैयार। ये देखिए फाइनल टच चीज और ऑरिगैनो से दिया गया है, और उसके बाद इसका रंग इसका कलर देखिए कितना निखर कर आया है। चलिए अब इसको निकालते हैं। बिल्कुल माउथ वाटरिंग। ओह गर्मा गर्म पास्ता देख के तो एकदम राजपति देव जी का हाथ, राजपति देव जी के हाथ से बना डिलीशियस पास्ता। और देखिए चीज देखिएगा आप। तुम लोग धूप में बैठ के खाएंगे कि नहीं, नीचे खा लेते हैं, नीचे खाएंगे, नीचे खाएंगे। छत पे नहीं आ जाएंगे? ठीक है अब रहने दीजिए, फिर ठंडा हो जाएगा इसमें। चलिए तो ये है चीजी चीजी डिलीशियस टेस्टी पतिदेव जी के हाथ से बना हुआ पास्ता। ये वाले, ये वाले। इससे ठीक है, चलो हम तो इसी से खाएंगे। तो चलिए चलते हैं और पास्ता एंजॉय करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। दिख तो बहुत ही मस्त रहा। बहुत अच्छा कुकिंग करने लगे हैं भैया, जो कि कुकिंग के नाम से बिल्कुल भागते थे, क्या बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करना चाहते थे।
मजेदार बना है। तो चलिए हम लोग पास्ता एंजॉय करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं। और आज के पूरे दिन का ब्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई ब्लॉग्स। और आप सभी को फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे, और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। बाय बाय।